सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। गुरु सुवरन सिंह जी गवर्नमेंट कि हम आपका अभिनंदन करें, आपका वंदन करें, इसलिए इसे करने में लगाया। हमारे सभी मंचस्थ जन बिहार में जब गया प्रसाद जी आए तो वो अध्यात्म लेकर के चले गए। माता सीता के उस रामायण कालीन संस्मरण का हम लोगों को याद दिलाया। इस क्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने आयोजक टीम से आग्रह करूंगा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जब ब्रजभूषण राजपूत जी को अगर याद हो तो चंद वर्षों पहले की बात है, इतनी जबरदस्त बारिश हुई थी कि हमारा पूरा ये जो क्षेत्र था वो पानी से तर हो गया था। आप लोग थोड़ा साइड से हो जाओ तो थोड़ा पीछे वालों के लिए सुविधा होगी, इस स्पीड को थोड़ा थोड़ा हट जाए और अध्यक्ष महोदय को माल्यार्पण करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक कुंवर बहादुर जी से कृपया हमारे कार्यक्रम को हो जाए जिससे जनता जनार्दन इस नजारे को देख सके। अब भाई साहब एक निवेदन हो गया सीधु सिंह सहगल आ गया। सो थैंक यू सीधु सिंह, थैंक यू अहमदाबाद, थैंक यू जयराज, थैंक यू। आज का जो कार्यक्रम है ये मेरी नजर में आज का ये जो कार्यक्रम है मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। अब आप लोगों को बुरा लगे तो इसके लिए भी मैं माफी चाहूंगी और इसका रीजन भी बताना चाहूंगी कि क्यों। क्योंकि राठ क्षेत्र की जनता ने जितना वोट मुझे दिया है और जितने वोटों से जिताया है मैं उसी से ही इतना गदगद हूँ कि आपके सम्मान की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मुझे इस कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं लगती है। मुझे अब लगता है तो सिर्फ ये कि जो आपने मुझे वोट दिया है उसको किस तरह में आप लोगों के जो भी आप लोगों के हमारे क्षेत्र का विकास करना है, किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको मैं कैसे पूरा करूं, जितना जल्दी से जल्दी हो चुके कैसे उन समस्याओं का निवारण कर पाऊं। हम लोगों को जो व्यवस्था मिली है जब कोई पार्टी सरकार में आती है तो या तो उसे ग्लास आधा भरा मिलता है या आधा खाली मिलता है, पर हम लोगों को तो पूरा ही खाली मिला है। तो इसको भरने में, पूरा भरने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा और इसके लिए मैं आप लोगों से भी समय चाहती हूँ कि इतना जल्दी आप लोग भयभीत मत होइए कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, दलितों के बारे में सोचती है, पिछड़ों के बारे में सोचती है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। और मैं तो कहती हूँ कि जब कोई पार्टी सरकार में आती है तो उसे सिर्फ अपना विकास नहीं करना चाहिए, वो सरकार में आई है तो वो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आई है, ना कि अपने विकास के लिए।
आज हमारी आधारशिला भारत माता है। अगर हम इस भारत माता से माता शब्द हटा देंगे तो भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, तो इसलिए हम लोग पूरा भारत माता कहते हैं। आज हर व्यक्ति के पास एक नई ऊर्जा, एक संकल्प के साथ हर व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। और अपने प्रदेश को, अपने देश को एक समृद्धिशाली बना सकता है, जिसमें हर व्यक्ति का एक समान, उसका सम्मान हो। और जरूरत भी है हमें, आपका जो विश्वास है, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि जब सरकारें सपा बसपा की थी तब आपके भाई ने, हमें नहीं पता कि दो लोग हमारे साथ चल रहे, चार लोग चल रहे, क्या 20 लोग चल रहे, या भूख हड़ताल से हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। अपन ने किसान की केवल इच्छा देखी कि किसान के खेत में पानी पहुंचना है, किसान के खेत में बिजली पहुंचना है, कैसे नहरों में खेत तक पानी पहुंचे, ये केवल एक धारणा रही। वो किसान का हित कैसे हो सकता है? आज हमें नहीं लगता कि बातों में जो किसान को उपज का मूल्य है, निश्चित रूप से चाहे मंडी में हो या जो समर्थन मूल्य है, अब हम लोग पहुंचे बुंदेलखंड के लोग, ऐसे नौजवान हमारी चाहे मनीषा हो या गुड्डू भैया हो, निश्चित रूप से आपकी आकांक्षा का पूरा उतरेंगे। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार हमारे गुड्डू भैया ने भी कहा है, माननीय योगी जी से साफ साफ कहा है कि यहाँ पर बुंदेलखंड में किसानों की दशा बहुत खराब है, ये चूक हो रहे हैं। हमें लगता है सरकार ने निश्चित रूप से सबसे पहला दौरा जारी किया, इसके बाद पता है भाई बुंदेलखंड में दौरा करने का मतलब ये है विचारधारा को। हमें तो ये लगता केवल वो छोटा किसान हो, लघु किसान हो, सीमांत कोई भी किसान हो, किसी समाज का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी पार्टी का हो, वो अगर उसने आवाज लगा दी तो मैं तो मंडी पर या समर्थन मूल्य का अगर नहीं मिल रहा है वहाँ खड़ा हूँ, या बिजली नहीं मिल रही या कहीं और संकट है वहाँ खड़ा रहता था। आज जो आपने हमें इतना आपने हाथ में दे दिया कि सरकार बना दी, हम सभी बुंदेलखंड को बिल्कुल 19 की 19 सीटें दे दी, तो 100% दे दी। अब आपको कष्ट होना चाहिए, अब हमारा काम है, अब आपको तो केवल संज्ञान लेने की बात नहीं है, हम लोग को काम करना है। और आगे हम लोग देखते हैं, देखो काम करना अगर आपका काम है, आपको केवल बताना है, आपको हमें मार्गदर्शन देना है, समय समय पर आप लोग हमें मार्गदर्शन दे। हमारे माता बैठे हुए, इन्होंने हमें चूंकि पुकारा नहीं, हमने कहा मैं निश्चित आऊंगा और इसमें दो राय नहीं, क्योंकि आपके ऋणी हमें गुड्डू भैया ऋणी है, ये मनीषा ऋणी है, भाई आपने जो कर्ज हमारे ऊपर चढ़ाया है उसे हम कैसे उतार सकते हैं ये बताओ। हमें लगता बुंदेलखंड में क्या चौथी मनीषा जी की इतनी लंबी जीत आपने दी है, तो ये किसकी वजह से है? ये किसी और की वजह से थोड़ी है। इसलिए मनीषा जी जो कह रही है कि भाई आज सम्मान समारोह की आवश्यकता कहाँ है, आप तो हमें पैसे बुलाइए, आप जब चाहो तब बुला लो, ये जरूरत थोड़ी है कि आप जो है मंच और उसके माध्यम से। और मैं तो वैसे भी बिल्कुल किसान की सेवा पहले कर रहा हूँ, और मुझे किसी तरह की कोई मंच की या अन्य किसी तरह की साथ कोई आवश्यकता नहीं। आप जब चाहें, जब आपको कष्ट हो, जब आपको आपत्ति लगे कि बिजली पानी किसी तरह की, आप तुरंत हमें फोन कर सकते हैं। वैसे तो हमारी मनीषा जी को स्वयं में या गुड्डू भैया स्वयं में बहुत लगे हुए हैं, और देश भर्राक आदमी है, पूरे प्रदेश में जेल का हम लोग बचाए हुए हैं, तो निश्चित मानिए क्योंकि पानी बारिश हो रही है, इसलिए चाहेंगे यह गुड्डू भैया का भी उठाएं। और चूंकि आपने हमें बुलाया इसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि लाट आया तो कई बार हूँ, स्वामी जी से तो बहुत श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन श्रद्धा करने से नहीं होता है, जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक कुछ काम नहीं करेंगे, या हम इसके माध्यम से कुछ कह रहे हैं किसानों के लिए कह रहे हैं, लेकिन कहने से आज नहीं होता, आज हमें काम करने का है। आज सबसे बड़ी समस्या जुटता जानवर की है, हम लगातार उठाते रहे सपा बसपा टाइम से, लेकिन आप ये बताओ अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज दूसरा थोड़ी करने आएगा, कोई ऊपर से थोड़ी आएगा, स्वामी जी की तो यही तो कृपा है कि हमें लोगों को खड़ा कर दिया, आगे कर दिया। हमारे श्रद्धेय समय परम आदरणीय गंगाचरण जी नहीं आए, लगातार हम लोग उनके चुनाव में समय समय पर आते रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि हम लोगों को, आप जैसे सभी मंच पर बैठे हुए लोग हैं,
बुजुर्ग लोग हैं, आशीर्वाद दीजिए, आप लोग मार्गदर्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता, आप जो कामना करते हैं सफलता पहुंचेगी। जो स्वामी जी की इच्छा है, क्योंकि स्वामी जी ने तो सोचा था कि पूरा राज क्षेत्र नहीं, बुंदेलखंड क्या प्रदेश में क्या देश में उनका नाम रोशन हो, और हम समझते हैं कि हम लोगों को जब यहाँ तक पहुँचा है तो निश्चित आप मानिए स्वामी जी का नाम रोशन आगे हम लोग ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई साहब आप लोगों का, बार बार चूंकि ऋणी हूँ, क्योंकि आपका और हमारा क्षेत्र लगा हुआ है। आपने जाने कितने टेलीफोन किए होंगे, कितने लोग हमारे जो संचालक जी हैं कह रहे थे हमारे क्षेत्र में, अरे आपने जाने कितना हमें सहयोग किया होगा, उसके लिए बहुत बारम्बार आपका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, लेकिन आप जब हमें पुकारें, हम लखनऊ हों, झांसी हों, कहीं हों, किसी जगह हों, निश्चित रूप से मानिए मैं हर समय हमेशा आपके लिए। भारत माता की, भगवान ने हमें कितने हाथ दिए, तो फिर एक हाथ का उठा रहे, और ये ना दिखाओ भैया, ये कांग्रेस का निशान है, इसका ये पप्पू के कांग्रेस का निशान है। हम लोग बजरंग बली की पूजा करते हैं ना, तो दोनों मुट्ठी बांध कर बोलेंगे जोर से, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। अब लगा स्वामी ब्रह्मानंद जी की धरती पर जन्मे सभी लोगों ने गर्जना दी है और अपनी बात को लखनऊ तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। मैं इसी कड़ी में स्वामी ब्रह्मानंद जी के श्री चरणों में अपना शीश नमन करता हूं, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं, और यहां पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्ग आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे हम उम्र, मेरे नौजवान साथी जिन्होंने मुझे विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, आप सभी ने, आप सबको जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद संचालक महोदय जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले कुंवर बहादुर मान साहब, मैं आपका हृदय से बहुत 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 धन्यवाद देता हूं कि आपने एक विशाल सभा का आयोजन कर हम तीनों विधायकों को सम्मानित करने का काम किया है, इसके लिए हम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज नगर के सभी लोगों का, जो आप लोगों ने आज मुझे सम्मान दिया, प्यार दिया, जो माला पहनाकर सम्मान दिया, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये दिन मुझे अपने जीवन का अमूल्य दिन नजर आ रहा है, और ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर मंच थी, और हमारे साथ में आए महोबा जिले से दशरथ राजपूत जी, वकील साहब चौधरी राजेंद्र सिंह जी, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जवाहर राजपूत जी, आपकी क्षेत्रीय विधायिका तेज सरनाक विधायिका मनीषा अनुरागी जी, व सभी सम्मानित मंचगण, बहुत बहुत दोस्तों, जैसा कि इतिहास रचने का काम बुंदेलखंड के लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी को 19 में से 19 सीटें बुंदेलखंड के लोगों ने दी हैं, और भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड के इस एहसान को चुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का काम करेगी। बुंदेलखंड के किसान आज सबसे ज्यादा अन्न पशुओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये बात मैं और हमारे पार्टी के 19 विधायक व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी इस बात को जानते हैं, और जल्द से जल्द अन्न पशुओं की समस्या को समाप्त करने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनवाई जाएंगी।
और उससे पहले भी तत्कालीन व्यवस्था करने के लिए जो हमारे बुंदेलखंड में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में जो बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर पैसा लूटने के लिए उन्होंने जो मंडियों का निर्माण कराया था और वो मंडियां खाली पड़ी हुई हैं, वो दौर मुझे याद आता है क्योंकि उस वक्त हम लोग किसानों के लिए मुआवजा के लिए कर्ज माफी के लिए आंदोलन किया करते थे और कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे बुंदेलखंड में मंडियां बनवा रहे थे। हमारे यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा था, हमारे यहाँ का किसान कर्ज में डूबा हुआ था और कांग्रेस के लोग पैसा खाने के लिए मंडियां बनवा रहे थे। जब हमारे यहाँ 4 साल से लगातार सूखे की स्थिति उत्पन्न थी, जब गेहूं पैदा नहीं हो रहा था, तो क्या मंडियों की हमें आवश्यकता थी? नहीं थी ना। उस वक्त आवश्यकता हमारी थी कि हमारा कर्ज माफ हो, हमें मुआवजा मिले, मगर उन कांग्रेसियों को हमारा दर्द नहीं दिखाई दे रहा था, वो मात्र अपना जेब भरने का काम कर रहे थे। हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने बुंदेलखंड के दर्द को रखा कि जब तक गौशालाएं नहीं बन जाती तब तक के लिए तत्कालीन व्यवस्था करने के लिए उन मंडियों को गौशाला बनाने का काम किया जाए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों से किया गया वादा, किसानों के कर्ज माफ करने का, उसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। मित्रों, ये हम सब बुंदेलखंड के लोगों के लिए खुशी की बात है और ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि सरकार बनने के बाद 1 महीने के भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ करने की बात की है। दोस्तों, हम लोग बुंदेलखंड के एक एक दर्द को जानते हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे 9 नदियां हैं। जालौन में पचनदा नदी है। हमारे देश में 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और पूरे बुंदेलखंड में मात्र बुंदेलखंड ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। बुंदेलखंड में गेहूं, चावल, दलहन, गन्ना, सब्जियां सब कुछ पैदा होता है। बुंदेलखंड में खनिज के नाम पर गिट्टी मोरंग निकलती है जो करोड़ों अरबों में यहाँ का खनिज लूटा जाता रहा है। आपने देखा पहले की सरकारों ने, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो चाहे वो बसपा की सरकार रही है, इन्होंने दोनों ने मिलकर बराबरी से बुंदेलखंड को लूटने का काम किया और ठगने का काम किया है। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है वो विश्वास आपका टूटने नहीं दिया जाएगा। जो बुंदेलखंड का दर्द है उसको खत्म करने का पूरा प्रयास बुंदेलखंड के 19 के 19 विधायक करने का काम करेंगे। मित्रों, आज हम ऐसे नगर में उपस्थित हुए हैं जहां पर स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जन्म लिया है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। देश की आजादी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने धर्म के लिए भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने गौ रक्षा की भी लिए दिल्ली में आंदोलन किया। यहाँ पे पंडित परमानंद जी ने भी जन्म लिया इसी बुंदेलखंड में। दीवान शत्रुघ्न सिन्हा सिंह जी ने भी जन्म लिया। रानी लक्ष्मी बाई, ऐसे अनेक महान वीरों ने हमारे बुंदेलखंड में जन्म लिया और एक बहुत कड़ी बड़ी कड़ी आला उदल की भी जुड़ती है जिनका आप अभी गीत सुन रहे थे पूर्व में। हम सब ऐसे महान वीरों की संतान हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए लड़ते रहे, हमारे धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे। हम ऐसे वीरों की संतान हैं, इसलिए दोस्तों
हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्र के लिए एक रहे और राष्ट्र की उन्नति के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाने के चलने का काम करें। जिस तरीके से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उच्च विचारों से हमारे देश के अंदर से जातिवाद को खत्म कर राष्ट्र हित की राजनीति का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं आ रही हैं, वो जन जन के कल्याण के हेतु आ रही हैं। उज्जवल योजना को ले लीजिए, गैस सिलेंडर को ले लीजिए, आपको कहीं पे भी ये भेदभाव नजर नहीं आएगा कि एक किसी जाति वर्ग को गैस सिलेंडर मिल रहा है। मतलब पिछली सरकारों में तो आपने देखा ही होगा, समाजवादी सरकार में देखा होगा, अगर कोई योजना आती थी तो विशेष एक वर्ग के लोगों तक वो योजनाएं पहुंचती थी कि नहीं पहुंचती थी। बीएसपी सरकार थी तब भी एक जाति विशेष के लोगों को लाभ प्राप्त होता था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश की हर बिरादरी, हर समाज, हर जाति के लोगों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम सब लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हमारे देश को आगे ले जा रहा है, जो देश को स्वच्छ और स्वच्छ बनाने की भी बात करता है और देश को स्वच्छ और स्वच्छ बनाने के लिए खुद झाड़ू भी लगाते हैं। हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ये हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। मित्रों, आप लोगों ने जैसा देखा है पीछे पिछली सरकार जब थी तो पाकिस्तान से गोली आती थी तो एक आदमी आता था, मैडम 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 गोली आई है, मैडम गोली आई है, जब तक चार पांच सिपाही मर गए और चले। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया अगर एक गोली आए तो 10 गोलियां चलाओ, तो एक सैनिक मरता है उनके 10 सैनिक मरते हैं, ऐसी आज हमारी सरकार की शक्ति है। पहले हमारी सरकार की, हमारे देश की ऐसी स्थिति थी कि चीन हमारी सीमाओं को दबाता था और भारत चिल्लाता था कि चीन हमारी सीमा पर कब्जा कर रहा है, और आज उल्टा, आज चीन चिल्ला रहा है कि भारत हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, भारत हमारी इसकी जमीन पे कब्जा कर रहा है। ये परिवर्तन कैसे आया, किसकी वजह से आया? आज देश अगर शक्तिशाली हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। आज पूरे विश्व में के लोग, हर देश भारत से अगर दोस्ती करना चाहता है तो किसकी वजह से करना चाहता है? माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से करना चाहता है। आज हमारे भारत को पहले जो दूसरे देश के लोग सम्मानित नहीं करते थे, घृणित नजर से देखा करते थे, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अपना प्रोटोकॉल तोड़कर पहले से ही स्वागत में खड़े हो जाते हैं। ऐसी शक्ति उत्पन्न करने वाला कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। आज हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, आज हमारा देश शक्तिशाली हो रहा है और हम सबका भी कर्तव्य है, क्योंकि हम भी आजादी के दीवानों और देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों की संतान हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी का भी कर्तव्य बनता है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वच्छता अभियान के लिए, तो मैं आपसे विनती करता हूँ जब आप लोग यहाँ से जाइए तो संकल्प लेके जाना कि मैं अपने गांव को, अपने शहर को स्वच्छ रखूंगा, मैं अपने गांव में उन गरीब लोगों के यहाँ पे शौचालय जरूर बनवाऊंगा जिनके यहाँ पर शौचालय नहीं है, क्योंकि अगर भारत सरकार शौचालय बनवाने के लिए संकल्पित है और पैसा खर्च कर रही है तो कहीं ना कहीं हम नागरिकों का भी, भारत अपने देश के प्रति ये कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा इस महान
काम में हम भी अपना योगदान दें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जिन जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा दिया। और जो जो भी देश के लिए लड़ेगा, देश के लिए करेगा, देश के लिए मरेगा, उसका नाम देश के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और वो अमर हो जाएगा। जिस तरीके से आज हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी इतिहास के स्वर्ण अक्षर पन्नों, उनका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा गया है और वो आज अमर हो गए हैं, आज उनके हमारे बीच में ना होते हुए भी और हम सब लोग उनकी बात रखते हैं और उनके विचारों से हम अपना कर कुछ सीख लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत से हमारे देश के महापुरुष हैं जिनसे कोई ना कोई बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माता बहन प्रेरणा लेती है और उसके द्वारा आगे बढ़ने का काम करती है। मित्रों, आज इस विशाल जनसभा में जिस तरीके से आपने इस बरसती हुई बारिश में अपना अमूल समय दिया, हम सभी अतिथियों को बहुत प्रशंसा हुई है और निश्चित तौर पे मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाऊं कि हमारे बुंदेलखंड के किसानों को, हमारे बुंदेलखंड के मजदूरों को, हमारी बहनों को, माताओं को अगर कोई पीड़ा पहुंचाने का काम करेगा तो गुड्डू राजपूत उसे बख्शेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी उसे छोड़ेगी नहीं। दोस्तों, मैं उन अधिकारियों को भी इस मंच से चेतावनी देना चाहता हूं जो अधिकारी अभी भी बदले नहीं है, जिन अधिकारियों ने अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाया है, जो अभी भी समाजवादी विचारधारा से ओत प्रोत होकर चल रहे हैं और हमारे किसान और मजदूरों को लूटने का काम करते हैं, ऐसे अधिकारियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, तुम लोगों की सूची बनाई जा रही है, बुंदेलखंड में तुम लोगों को मैं रहने नहीं देता हूं, रहने नहीं दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। दोस्तों, आपके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बुंदेलखंड के 80 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ में न्याय देगी। और जिस तरीके से 20 सालों से लगातार जो पिछली सरकार है बुंदेलखंड को लूटने और ठगने का काम कर रही थी और उनके साथ जो अधिकारी लिप्त थे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे अधिकारियों की सूची बना रही है, इनको हम लोग यहाँ भगाएंगे ही नहीं, इनका निलंबन कराने का काम करेंगे। मित्रों, दोस्तों, बहुत सी त्रुटियां पिछली सरकारों में हुई हैं, बहुत से गलत काम, बहुत से लोगों के साथ उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, हम ऐसे लोगों की भी सूची बना रहे हैं जिनका पिछली सरकारों में शोषण हुआ है, हम उनको भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, आप लोग जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और पर मैं इतना आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग का धैर्य रखिएगा, क्योंकि कुछ अच्छा होने में वक्त लगता है और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने मात्र 5 महीने हुए हैं तो, और मैं अपने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूद कार्यकर्ताओं से भी ये कहना चाहूँगा कि वो लोग पूरे ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करें और यहाँ के गरीब मजदूर किसानों की प्रेम पूर्वक बात सुने और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको लिखित रूप से लें। अगर कोई अधिकारी पैसा मांग रहा है तो उसका 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे साइन कराकर बात उनका लें, जिससे कि हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करा सकें, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और बुंदेलखंड में समस्याएं पूरे उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं, अगर एक आकलन किया जाए तो पूरे आकलन के अनुसार 75% सबसे अधिक समस्याएं हमारे बुंदेलखंड के अंदर हैं। इसलिए बुंदेलखंड की समस्याओं को निपटाने के लिए हमें वक्त लगेगा और आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग कोई काम भी करते हैं
तो विपक्ष के पार्टी के लोग, कांग्रेस के, सपा के, बसपा के लोग, हो सकता है हमारी जनता को, हमारे यहाँ की जनता बहुत सीधी सादी जनता है, गौ समान जनता है, इस जनता को भड़काने का काम करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। मैं यहाँ की सम्मानित जनता से ये कहना चाहूँगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपने हमें मौका दिया है, बस 5 साल आप इंतजार करके देखिए। हम आप अपने बुंदेलखंड से, हम अपने बुंदेलखंड से एक एक समस्या को समाप्त करके ही दम लेंगे। भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि एक जोरदार गर्जना होनी चाहिए और एक मांग भी यहाँ से उठी थी कि राज को जिला बनाने की, राज को जिला बनाया जाए और बुंदेलखंड राज बनाया जाए। मैं तो ये भी कहता हूँ।